हरे कृष्णा, आप देख रहे हैं ट्रू मीडिया का ज्योतिष विज्ञान। दिवाली के त्यौहार के छठवें दिन छठ पूजा होती है। यह पर्व 4 दिन तक चलता है। इस बार महापर्व छठ 17 नवंबर 2023 से लेकर 20 नवंबर 2023 तक चलेगा। यह महापर्व मुख्यतः बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में मनाया जाता है। इस पूजा में छठी मैया और सूर्य देव की उपासना का खास महत्व है। यह व्रत संतान के लिए रखा जाता है। महिलाएँ संतान की लंबी आयु, बेहतर स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं। यह सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इस व्रत में कई नियम होते हैं। ऐसे में एक छोटी सी गलती से छठी मैया नाराज हो सकती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि छठ पूजा पर किन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए और कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। इस पूजा में सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। उनकी पूजा में चांदी, स्टील और प्लास्टिक के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस पूजा में मिट्टी के चूल्हे और बर्तनों का इस्तेमाल करें। छठ पर्व के दौरान नशीले पदार्थों का सेवन ना करें। भूलकर भी अल्कोहल और मांसाहार का खाना नहीं खाएं। छठ पूजा के कुल 4 दिनों में लहसुन और प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए। व्रती महिलाएं सूर्य देव को अर्घ्य दिए बिना कोई भी चीज़ को ना खाएं। पहले और दूसरे दिन सूर्य को जल देने के बाद ही भोजन करें। व्रत रखने वाली महिलाएं जमीन पर ही सोएं। पूजा का प्रसाद बेहद पवित्र होता है। इसे बनाते समय कभी भी झूठा ना करें। प्रसाद बनाने से पहले कुछ भी ना खाएं। प्रसाद बनाने वाली जगह गंदी नहीं होनी चाहिए, बल्कि अच्छी तरह से उसे साफ सुथरा होना चाहिए। जहाँ पर प्रसाद बन रहा है उस जगह पर साधारण खाना भी नहीं बनना चाहिए। 36 घंटे के व्रत और पूजा के दौरान साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। व्रती इस बात का ध्यान रखें कि पूजा की चीज़ों को साफ हाथों से छुआ जाए। पूजा में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए, इसलिए घर के अच्छे से साफ सफाई करें। छठी मैया से मांगी गई मनौती अगर पूरी हो गई है तो आपको अपनी मनौती को पूरा होने की विशेष पूजा जरूर करनी चाहिए, अन्यथा मैया के कोप का भाजन का शिकार होना पड़ता है। दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रू मीडिया का ज्योतिष विज्ञान। और अधिक जानकारी चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें। हरे कृष्णा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।